ग्राम इमली लिया है मैंने, उसे अच्छे से फुला लिया था। आप रात भर भी फुला हुआ छोड़ सकते हैं। अच्छे साफ पानी से धो करके साफ पानी डाला था मैंने, फूल चुकी है देख रहे हैं अच्छे से। हाथ अच्छे से धो ले, उसके बाद इसे मसल मसल के इसका गूदा सारा निकाल लेंगे, इस तरह से मसल लेंगे। रात भर के लिए आप पानी में फुला दें, या 2-3 घंटे में भी अच्छे से फूल जाती है। गर्म पानी डालेंगे तो और तुरंत ही फूल जाती है। इस तरह से मसल लें, इस तरह से पूरा मसल के पल्प निकाल लेंगे। अब इसे एक छन्नी से छान लेंगे, एक छन्नी से इस तरह से छानेंगे। इसमें अभी काफ़ी इमली है, इसे एक बार और पानी डाल करके धो लेंगे। इसे भी उसी बोल में ऐसे रखते जाएंगे। इमली का पल्प है, इसमें और थोड़ा पानी डाल के इमली पल्प निकाल लेंगे। 1 कप पानी और डाल रही हूँ मैं, और इसे फिर से ऐसे मसल लेंगे। देखिए बहुत आसानी से निकल जाती है, छान लेंगे, सारा इमली का गूदा निकाल लेंगे इस तरह से करके, और ऐसे इसे हटा लेंगे। देखिए सारा इमली का गूदा निकल चुका है, इमली का गूदा मैंने पूरा से छान लिया है। थोड़ी सी तेल डालेंगे, 1 पिंच डालेंगे हींग। हींग नहीं है तो हींग के बिना भी बना सकते हैं। और 1/2 चम्मच सफ़ेद जीरा। जीरा अच्छे से तड़क गए हैं तो ये इमली का जो पल्प निकाला था मैंने, उसे सारा इसमें डाल देंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे काला नमक, छोटी चम्मच है हमारी, और 1/2 ही चम्मच सफ़ेद नमक। इसे ऐसे मिला लें, बीच बीच में चलाते रहेंगे। 1 चम्मच डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, और 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। अच्छे से मिला लेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे। ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता है, बहुत झटपट बन जाती है ये चटनी। आप चढ़ा करके दूसरा काम भी कर सकते हैं। इस तरह से जो गुड़ आता है गोल सा, इस तरह का गुड़ मैंने 3 पीस लिया है। अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने ऐसे गुड़ को इस तरीके से काट लिया है, इस तरीके से, और इसे सारा इसमें डाल देंगे और चलाते रहेंगे। बीच बीच में गुड़ मेल्ट हो जाएगी, बहुत टेस्टी लगती है ये चटनी। चाट में, दही बड़े में, पकौड़े के साथ, आप जिस चीज़ के भी साथ खाएं, बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। रमज़ान में स्पेशल है ये चटनी, रमज़ान में ज़रूर से बनाती हूँ मैं। बीच बीच में चला लें। अब एक और चीज़ मैं इसमें डालूँगी, जिससे चटनी झटपट गाढ़ी भी हो जाएगी और टेस्टी भी लगेगी। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक और चीज़ डालूँगी जिससे गाढ़ी हो जाएगी चटनी, अच्छी हो जाएगी, थिकनेस आ जाएगी। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गई है, पक गई है अच्छे से गुड़ और इमली, और थिक भी हो रही है थोड़ी चटनी, अच्छी गाढ़ी हो गई है थोड़ी, ये ठंडे होके और गाढ़ी हो जाती है। इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लोर है। थोड़ी सी पानी में डाल करके ऐसे घोल लें, आप चाहे तो डालें, नहीं तो ऐसे भी थिक हो जाती है चटनी। और 1 मिनट के लिए पका लें। आप इसमें चाहे तो खरबूजे के बीज भी डाल सकते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें, ये ठंडी होके अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। 1 छोटी चम्मच डालेंगे सफ़ेद तिल, आप चाहे तो डालें, नहीं तो ऐसे भी चटनी अच्छी लगती है। और ऐसे मिला दें। आप इसे स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, पूरी रमज़ान चल जाती है ऐसी वाली चटनी। ये चटनी बहुत अच्छी लगती है चाट में। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस तरह का ही रहने देंगे, ठंडा होने से अच्छी गाढ़ी हो जाती है। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनके तैयार हो चुकी है, झटपट बन जाती है और बहुत टेस्टी लगती है। पूरे रमज़ान में आप खा सकते हैं इसे।